हेलो दोस्तों, सामुंडा इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे देखिए, जूनागढ़ से हमारे पास यहाँ पे एक पार्सल आया है, MPG4 सेटअप बॉक्स रिपेयर होने के लिए आया है। दोस्तों अभी इसे पहले अनबॉक्स करते हैं, उसके बाद इसमें प्रॉब्लम है वो देख के इसे हम सॉल्व करेंगे। अभी आप सबको मैं कहता हूँ कि पोस्ट से मुझे भेजो, क्योंकि ये मैं महुआ में मुझे मिला था, वो भाई ने कुरियर करा था और काफ़ी दिन हो गया है। अभी यहाँ पे फटाफट से इसे खोल लेता हूँ पहले, और खोलने के बाद यहाँ पे इसमें प्रॉब्लम चेक करेंगे। अभी यहाँ पे देखिए, अनबॉक्स तो हमने कर लिया है, लेकिन यहाँ पे अभी ये मैं पहले चेक करना है, क्योंकि यहाँ पे रिपेयर किया हुआ है, कोई शॉर्टिंग वगैरह। यहाँ पे देखिए IC भी गायब है यहाँ से, और यहाँ पे देखो तो यहाँ पे देखिए। अभी कोई बात नहीं, पहले शॉर्टिंग को चेक करता हूँ। शॉर्टिंग हमारा यहाँ पे IC के पॉइंट पे हमें चेक करना है, तो हमें यहाँ पे तो शॉर्टिंग नहीं मिल रहा है दोस्तों। अभी यहाँ पे देखो तो यहाँ पे शॉर्टिंग मिल रहा है, तो इसे पहले बाहर निकल लेता हूँ। अभी यहाँ पे IC को यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। मेन प्रोसेसर भी हमारा दोस्तों शॉर्ट हो सकता है, पहले हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पे शॉर्टिंग को पहले हटाता हूँ, उसके बाद में पता चलेगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। अभी यहाँ पे शॉर्टिंग को पहले एक बार चेक करता हूँ, तो अभी हमें यहाँ पे देखिए शॉर्टिंग मिल रहा है। देखिए अभी यहाँ पे IC भी नहीं है, और AIC भी हमें ख़राब यहाँ पे हो गया है, तो एक बार मैं यहाँ पे वोल्टेज देके चेक कर लेता हूँ। अभी यहाँ पे हमारा जो वोल्टेज बनता है ये ओके बन रहा है या नहीं। अभी दोस्तों यहाँ पे सभी वोल्टेज पहले ओके कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, अभी और यहाँ पे ऑन कर लिया है मैंने, तो यहाँ पे 12 वोल्ट फर्स्ट चेक कर लेता हूँ। अभी दोस्तों 12 वोल्ट ओके है, तो 5 वोल्ट यहाँ पे चेक करता हूँ, तो यहाँ पे अभी 5 वोल्ट भी नहीं मिल रहा है। देखिए यहाँ पे 11 वोल्ट के करीब में बन रहा है, पूरा सेट बॉक्स डेड हो गया है। लेकिन ये कह नहीं पाऊँगा कि रिपेयर होगा या नहीं, अभी मैं फिलहाल कोशिश कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे ये IC को बाहर निकलता हूँ, दूसरी IC लगा लेता हूँ। अभी यहाँ पे IC को पहले बाहर निकलता हूँ, उसके बाद में दूसरा IC लगा के चेक करता हूँ, और सभी शॉर्टिंग को मैं एक बार चेक करूँगा। देखिए अभी दोस्तों यहाँ पे सभी जगह पे शॉर्टिंग चेक करता हूँ, तो यहाँ पे भी नहीं मिल रहा है, यहाँ पे भी नहीं मिल रहा है, यहाँ पे 3.3 वोल्ट पे मुझे शॉर्टिंग मिल रहा है। ये हमारा मेन प्रोसेसर IC, यहाँ पे दोस्तों ये IC ख़राब है, देख सकते हो। अभी यहाँ पे एक IC यहाँ पे बिठा लेता हूँ, और यहाँ पे रेगुलेटर 3.3 का, और यहाँ पे बक कन्वर्टर लगाना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे देखिए ख़राब हो चुका है। कोई बात नहीं, और IC को भी पहले इसे हटा लेता हूँ, उसके बाद में सभी वोल्टेज ओके करके IC दूसरी लगा लेते हैं। अभी दोस्तों यहाँ पे हमारे पास IC अवेलेबल स्टॉक में है, और आप लेना चाहते हो तो हमारा कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अभी इस तरीके से मैं बिठा लेता हूँ यहाँ पे।
पहले हमें 5 वोल्ट को ओके करना है, उसके बाद में रेगुलेटर बाद में लगाना है और आईसी को बाहर निकालेंगे, पहले शॉर्टिंग को हटाएंगे दोस्तों। अब यहाँ पे आईसी यहाँ पे हमारा लग चुका है और यहाँ पे साथ ही साथ में मैं यहाँ पे देखिए ये यहाँ से प्रोसेसर को यहाँ से हटा लेता हूँ। अभी पहले फिलहाल यहाँ पे मैं कटिंग करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ग्लू लगा है और आईसी में निकलने में यहाँ पे अभी पहले हमारा शॉर्टिंग चला जाना चाहिए, उसके बाद में यहाँ पे दूसरा प्रोसेसर आईसी लगाते हैं। हमारे पास चेक करने का है वो पहले लगाता हूँ और जो ये बॉक्स आया है उसको ये खर्चा हमारा यहाँ पे 350 तक ये जाएगा दोस्तों, क्योंकि मेन प्रोसेसर का अभी दाम बढ़ गया है तो 300 में इसका काम हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारा पास यहाँ पे चल गया है इसलिए। कोई बात नहीं, यहाँ से उठा लेता हूँ। देखिए अभी शॉर्टिंग को चेक करते हैं। अभी यहाँ पे शॉर्टिंग हमारा चेक करता हूँ तो यहाँ पे शॉर्टिंग देखिए चला गया है और आईसी प्रोसेसर यहाँ पे जो हम बोलते हैं वो ख़राब था। अभी यहाँ से ऑन करके एक बार वोल्टेज ओके कर लेते हैं, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आईसी बिठाएंगे। तो यहाँ से ऑन किया, ऑन करने के बाद यहाँ पे हमें देखे तो हमें 5 वोल्ट मिलना चाहिए, तो मिला 5 वोल्ट हमें। यहाँ पे नया आईसी हमने लगाया है इसीलिए यहाँ पे 5 वोल्ट हमें मिल गया। तो एक बार ये रेगुलेटर दूसरा में लगा लेता हूँ यहाँ पे, वो यहाँ पे जो रेगुलेटर था वो एक बार चेक करता हूँ तो हमें शॉर्टिंग दिखा रहा है या ओके है। अभी चेक करता हूँ यहाँ पे तो हमारा जो ये रेगुलेटर आईसी है ये ओके है, लेकिन यहाँ पे 3.3 वोल्ट का ही यहाँ पे है। तो अभी दोस्तों एयर गन की मदद से मैं आईसी को पहले लगा लेता हूँ। अभी एयर गन को ऑन कर लेता हूँ पहले। अभी दोस्तों यहाँ पे सभी पार्ट्स को हमने जोड़ लिया है और यहाँ पे चेक करता हूँ तो हमें सभी वोल्टेज चेक करना है। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है 5 वोल्ट, यहाँ पे मीटर में देख सकते हो, यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे प्रेजेंट है और यहाँ पे 1.1 वोल्ट तो ओके है, तो यहाँ पे 1.8 वोल्ट देखिए, यहाँ पे 1.18 वोल्ट यहाँ पे प्रेजेंट है। तो अभी एक बार यहाँ पे आईसी दूसरा लगा के चेक करता हूँ यहाँ पे, तो हमारा बॉक्स ऑन होता है यानी, और यहाँ पे अभी यहाँ पे रेड लाइट में आया है हमारा बॉक्स। तो अभी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आईसी को मैं लगाता हूँ। अभी दोस्तों यहाँ पे हमारे पास दूसरा बॉक्स आते हैं वो ख़राब निकलता है और जो बाइक हमारे पास दूसरा बॉक्स लेते हैं उससे हमें बॉक्स ले लेते हो, ख़राब में आईसी तो सही होती है तो ये आईसी हम बिठाते हैं इसमें। अभी आईसी अवेलेबल या नहीं मिलती है, अभी दूसरे बॉक्स में से निकल के हमें यहाँ पे चेक करना पड़ता है। तो अभी दोस्तों आईसी को अच्छी तरीके से लगाना पड़ेगा। अभी पूरा वीडियो आप देखेंगे तो आप पीछे जाएंगे रिपेयरिंग करना, और MPG4 बॉक्स हमें रिपेयरिंग में भेजना चाहते हो तो हमारा कॉन्टेक्ट कर सकते हो, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया है, वहां से आप हमें कॉल कर सकते हो दोस्तों। अभी यहां पे पहले अच्छी तरीके से मैं इसे लगा लेता हूं, उसके बाद में यहां पे आपको दिखाता हूं। दोस्तों यहां पे हमने जो जो पार्ट्स बदले वो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए पहले ये वाला आईसी डाला और उसके बाद में यहाँ पे आईसी था, उसी हमें यहाँ पे आईसी यहाँ पे ओपन मिला दोस्तों, ओपन की इसकी रीडिंग आ रही थी
गलत रीडिंग थी और भी आईसी ख़राब थी मैंने फ्लैश सॉरी दोस्तों, और मैंने ए आईसी यहाँ पे देखिए आपको जूम करके दिखाता हूँ, दूसरा नया दूसरा डाला था GX6705S ये आईसी डाला था, मुझे फिर भी इसका प्रॉब्लम नहीं मिला। तो मैंने रीडिंग चेक करी तो यहाँ पे मुझे जो रीडिंग है वो गलत दिखा रहा था, क्योंकि यहाँ पे फ्लैश आईसी पे 3.3 वोल्ट जाता है। तो ये आईसी भी मैंने चेंज की, दूसरी आईसी लगाने पर हमें यहाँ पे एक बार ऑन करता हूँ। यहाँ पे ऑन करने के बाद यहाँ पे रेड लाइट पे आया और यहाँ पे टीवी स्क्रीन में देखिए नेट वोल्ट 10V, अभी यहाँ पे आप देख सकते हो अभी हमारा बॉक्स ऑन हो चुका है। और यहाँ पे देखूँ तो सभी वोल्टेज एक बार आपको चेक करा देता हूँ। अभी दोस्तों फटाफट से बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा, यहाँ पे देखिए 5 वोल्ट, यहाँ पे 3.3 वोल्ट, 1.1 वोल्ट, यहाँ पे देखिए और यहाँ पे 1.8 वोल्ट। अभी यहाँ पे प्रिंट ख़राब हो गया है इसलिए देखिए अभी हमारा ये बॉक्स 100% ओके हो चुका है। यहाँ पे देखिए अभी दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो ओके हो चुका है। और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, थैंक यू।